है उसके साथ बैठा हुआ है, चिब्बा चिब्बा। ये जो शादी वाला वीडियो जो अब जाके वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर आलिया और शोएब, ये जो बंदा है ना, जो इसका नाम शोएब है, इसी के साथ डॉक्टर आलिया का मतलब शादी हुआ था। और ये डॉक्टर आलिया सबको बेकूफ बनाते हुए मतलब सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि उसका एंगेजमेंट हुआ था, शादी नहीं हुआ था। ये जो वीडियो अब जाके वायरल हो रहा है, तभी तो मैं सोचूं डॉक्टर आलिया का जो प्राइवेट वीडियो है वो मतलब कैसे मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि उसका हस्बैंड था, हस्बैंड के साथ वीडियो बनाना तो मतलब लाजमी है। और ये बेडरूम वाला वीडियो, किसिंग वाला वीडियो, मतलब नेपाली के साथ और पाकिस्तानी के साथ, ये मतलब दिलों के साथ खेल गई है। और सोशल मीडिया के जरिए सुरेश को फंसाया, सुरेश को फंसाने के बाद मतलब टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे सब्सक्राइब कराया, बाद में बहुत सारे पैसा कमा लिया। और ज़्यादा फेमस होने के कारण मतलब महीने का 1 करोड़ मतलब 15 लाख ऐसा ही उसने बोला है कि कमाया। कमाने के बाद मतलब आप लोग उसको लगा कि मतलब सुरेश का होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसे आरोप लगा कि मतलब उसे छोड़ दिया। मतलब इसका दिमाग देखिए किस हद तक गई। तू बेवकूफ निकले डॉक्टर आलिया, क्योंकि तू 2-4 महीने में इतना पैसा कमा लिया। अगर सोच, अगर इसके साथ रहती तो तुझे नेपाली कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। मतलब तू बोल रही ने 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ 15 लाख रुपये महीने का कमाया, आप जाके उसे छोड़ा है ना। और ये जिस तरह तुझे नेपाली का प्यार मिल रहा था ना, उस एंगल से अगर तो 1 साल 2 साल और रहती है भाई, उससे शादी करती ना, तो तुम महीने का सोच कितना कमा सकती। वल्द मोहम्मद शोएब हक मकाम में कबूल है, कबूल है। अगर तुमने सुरेश को इस्तेमाल किया ना, ये चीज क्लियर नहीं करना चाहता। जितनी मासूम कौम है ना, उतने ही फिर खतरनाक भी याद रखो। वो अच्छे से हैंडल कर, सबको पता है वो कट करके। मैं उसे ही लाइव पे बात कर रही हूँ, वो लाइव कट करके। मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, दुनिया में क्रेजी साइको वेलकम, दुनिया में 2 कौमें हैं, 2 मैं अक्सर कहता होता हूँ, पहली कौम अफगानी और दूसरी नेपाली। ये 2 कौमें जो आज तक किसी से भी फतह नहीं हुई, ना इनको अमेरिका कंट्रोल कर सके, ना इनको कनाडा कर सके, इनको दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकी। ये 2 ऐसी पागल कौमें हैं, ये प्यार करते हैं अंधा, नफरत करेंगे अंधी। ये मैं पहले कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत प्यार दी है, बहुत प्यार दिया है, ठीक है। मैं इन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ठीक है। ये लोग चाहे मुझे छोड़ जाए, चाहे नेपालियों में एक फोर्स है, उसका नाम है गोरखली। गोरखली गोरखली ऐसे लोग हुए हैं पास्ट में, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। वो लोग अपनी जान देने में डरते नहीं, वो ऐसे क्रेजी लोग हैं, समझी। बिल्कुल मैं जानती हूँ, और मैं तभी इन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये लोग प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, ये लोग नहीं देखते कि कहाँ गए। अभी अभी देखो बात सुनो,